बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में 13 सदस्यों को भी शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में गुरुवार शाम शपथ ली। चार दिन पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर पड़ोसी देश भारत भागना पड़ा था। 84 वर्षीय यूनुस ने गुरुवार रात ढाका स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान शपथ ली। इस समारोह में राजनेता, सिविल सोसाइटी के लोग, जनरल और राजनयिक शामिल हुए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा शपथ दिलाए जाने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। उनके मंत्रिमंडल के एक दर्जन से अधिक सदस्य, जिन्हें मंत्री नहीं बल्कि सलाहकार का पद दिया गया है, उन्होंने भी शपथ ली। शपथ लेने वालों में हसीना के विरोधी रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल है, जो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा की गई। यह अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए संकटग्रस्त बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए चुनाव की देखरेख करेगी। अन्य लोगों में पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन और पूर्व अटॉर्नी जनरल हसन आरिफ शामिल हैं। पुरस्कार विजेता पर्यावरण वकील सईदा रिजवाना हसन और टॉप प्रोफेसर और लेखक आसिफ नजरुल ने भी शपथ ली है। कौन है अंतरिम सरकार में शामिल 16 सदस्य? ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, फरीद अख्तर, खालिद हुसैन, नूरजहां बेगम, शर्मिन मुर्शीद, सुप्रदीप चकमा, प्रोफेसर विधान रंजन रॉय, तौहीद हुसैन, मोहम्मद नजरुल इस्लाम, आदिलुर रहमान खान, ए एफ हसन आरिफ, सईदा रिजवाना हसन, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, फारूकी आजम, सालेद उद्दीन अहमद। बता दें कि पड़ोसी देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। इस घटना के 3 दिन बाद कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में यूनुस ने शपथ ग्रहण की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को छात्र प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन दिया है। वह गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटे हैं। यूनुस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे छात्र हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के नए प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ने 32वें ऐसे शख्स हैं जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पूरी दुनिया में 31 लोग और हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्होंने भी राष्ट्र प्रमुख की भूमिका निभाई है।